चुनाव सिर पर हैं और ठंड आने में इसलिए देर हो रही है क्योंकि चुनावी गर्मी हावी हो रही है। ये गर्मी मात्र 20 दिन की रह गई है। दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं हमारा शो चुनावी दंगल, जिसमें मैं हर रोज़ एक खास चर्चा अपने दर्शकों के लिए लेकर आता हूं। जैसा कि लगभग सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को चुनावी रण में उतार चुकी हैं, लेकिन जब से प्रदेश में टिकटों के पिटारे खोले गए हैं, तब से हलचल इतनी बढ़ गई है कि पार्टियों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया है। वहीं इस डगमगाते कॉन्फिडेंस के बीच अब अर्थ प्रकाश लोगों के दिलों की बात जान रहा है, जिसके चलते सबसे पहले हमारी टीम पहुंची पंचकुला। चंडीगढ़ से सटे पंचकुला, जिसे एक समय में हरियाणा की राजधानी बनाने की चर्चा भी चलाई गई थी। माता मनसा देवी शक्तिपीठ भी इसी पंचकुला में स्थित है। चलिए चुनावों पर आते हैं। भाजपा से मौजूदा विधायक ज्ञानचंद गुप्ता को पार्टी ने पंचकुला से टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने चंद्रमोहन पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजन लाल के बेटे पर पंचकुला सीट से दाव खेला है। वहीं आप पार्टी से दावेदार योगेश्वर शर्मा, जेजेपी से अजय गौतम, इनेलो से करुणदीप चौधरी व अन्य निर्दलीय उम्मीदवार रण में तैयार हैं। तो इसी के चलते अर्थ प्रकाश टीम ने पंचकुला में जनता से उनकी राय ली है। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है पंचकुला की जनता। आपका और बीजेपी का प्रश्न ठीक है, 75 पार अगर अगर कांग्रेस ने करना होता, अगर नहीं करने देते तो आज जो टिकटों की सूची आई है कांग्रेस पार्टी की, उससे साफ जाहिर है कि बीजेपी 100% 75 पार करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने किसी भी समाज को अपना हिस्सा प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण हर समाज के अंदर, हर कम्युनिटी के अंदर, हर समाज के अंदर बहुत बड़ा गहरा रोष है, उसकी खिलाफत होगी, इसलिए बीजेपी का सपना 75 पार का जरूर पूरा हो जाएगा। और भी पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं यहाँ पे हरियाणा में, तो उनका कोई इस पर चांस है विधानसभा में? नहीं, इस विधानसभा में भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा ने कांग्रेस को गर्त में डालने का काम किया है और उसका नुकसान इनको भुगतना पड़ेगा। अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में क्या कुछ विकास हुआ है और क्या हो सकता है? ये हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहला चुनाव है जो बिना विकास के ऊपर लड़ा जा रहा है। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ नहीं, कहीं भी पूरे हरियाणा में कोई विकास नहीं हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा ने कांग्रेस को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार आ जाती अगर हर समाज के हिस्से को, धर्म को उनकी टिकटों का बराबर से अनुपात मिलता। अगर आप देखते हैं, अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो आप क्या कुछ उन्हें सुझाव देना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहला बड़ा सा सुझाव यही है कि हर व्यक्ति को उसके जो अधिकार इस संविधान ने दिए हैं वो मिलने चाहिए। इसका जोर लग रहा है आपको विधानसभा में? अब की बीजेपी का पूरा जोर है जी, 75 पार करेगी बीजेपी। हाँ जी, 75 क्यों? क्योंकि इनके विकास कार्य अच्छे हो रहे हैं। देखिए, आप आज के टाइम में सारे काम आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, आपको ऑफिसों में धक्के नहीं खाने पड़ते, घूस नहीं देनी पड़ती है किसी को, आपके सर रोजगार भी अच्छा मिल रहा है, लोग दे रहे हैं। अभी 48 कुछ वैकेंसियां निकली हैं, उस पर कलर कलर के लिए आप जी उसी की बात किया जाए। हाँ जी, अगर वैकेंसियां निकली हैं, हाँ जी, उस पर दावेदार भी मतलब बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ठीक है, मगर उसके अंदर ये देखिए ना, एक निष्पक्ष काम हो रहा है। ये नहीं है कि घूस दे के आपने किसी, वो टाइम एक ऐसा था, मेरा मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, किसी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, मेरा अच्छी बन रही है, मैं नीचे से पैसे पकड़ाए, मेरा काम हो गया, मेरे घर के 4-4 मेंबर काम कर रहे हैं और किसी घर में एक भी काम नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी। आज के टाइम में निष्पक्ष तो काम हो रहा है ना, आज के टाइम में जो हो रहे हैं पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, सब बच्चे भर रहे हैं, कर रहे हैं काम, जो उसके योग्यता के कारण काबिल होगा उसको मिलेगी नौकरी। एक और पार्टी है कांग्रेस, तो उसका कैसा जोर लग रहा है? मेरे को नहीं लगता है, मेरे को बीजेपी ही नजर आती है, क्योंकि इनके विकास कार्य हो रहे हैं। आज के टाइम में आप देखिए, बिजली का बिल, पहले बिजली का मीटर से ही ले लीजिए, मैं छोटी सी बात बताता हूँ, बिजली का मीटर के लगाने के लिए 6-6 महीने 7 साल लग जाया करते थे कि भी हमारा भी कर दो जी, मीटर पास होने के लिए गया, फलाना गया, डिमका गया। आज के टाइम में ऑनलाइन आप भरो और उसके जोर यही कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज के टाइम में आप कोई भी बिजली का बिल भरते हो, एक मीटर अप्लाई करते हो, एक हफ्ते के अंदर में आपके घर पर लग जाता है, आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वैकेंसियाँ धड़ाधड़ निकल रही हैं, निष्पक्ष काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने देखिए, दवाइयों को मैं मानता हूँ, सारे आयुष्मान का काम पूरा अच्छा हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर सारी दवाइयाँ मैक्सिमम मिल रही हैं, अगर उसके बावजूद भी अगर दवाइयाँ आपको यहाँ अंदर से नहीं मिलती है, किसी कारण कमी आती है, 1 सेक्टर 6 में 18 नंबर बूथ में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है, जो दवाई आम केमिस्ट की दुकान पर आपको 100 रुपये की मिलती है, वहाँ पर 33 रुपये की मिल जाती है, 30 रुपये की मिल जाती है, तो ये गरीबों को तो कौन है? मेरा वोट 100% बीजेपी को।
कांग्रेस को ही आना चाहिए जी। कांग्रेस की? कांग्रेस ने किए सारे विकास जो किए हैं। अगर भाजपा की बात करें तो 5 साल में कुछ विकास हुआ या नहीं? अभी हमारे दिल्ली में तो कुछ किया नहीं जी इन्होंने, ना कोई फ्लाई ओवर बनाया, ना कोई स्कूल बनाया, ना कोई कॉलेज बना। हाँ 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 हरियाणा में कुछ विकास नहीं किया इन्होंने, बाहरी लोगों को नौकरी दी, हरियाणा वालों को कह रहे हैं भाई दिल्ली नहीं नहीं रोजगार नहीं मिला, ना कोई काम के। नोटबंदी से सारे काम खत्म हो गए, और जीएसटी से सारे काम खत्म हो गए, काम ही नहीं रहे। ऑफ कोर्स बीजेपी क्यों, बीजेपी क्यों लगता है? सर देखो, मैं तो रोजगार की बात करता हूँ। सबसे जो वो है ना, वो जो कहते थे पैसा बंद हो गया, मैं जॉब लगा मुझे 1 रुपया नहीं लगा। मेरे कम से कम ऐसे 20 फ्रेंड हैं जो लगे हैं, जिनका 1 रुपया नहीं लगा। क्वालिटी है तो लग जाओ भाई, पेपर पास करते हैं साफ साफ, तक कार्बन से एक कॉपी स्टूडेंट को मिलती है, कैंडिडेट को मिलती है, एक वहाँ पे जाती है, आंसर की डाल दी जाती है, लग अपना मिला लो। ये मेरिट उठाई है सरकार ने, बिल्कुल साफ साफ काम, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू ख़त्म कर दिया, वो बैकडोर वाला जो सिस्टम था ना वो ख़त्म कर दिया बिल्कुल। मैं जॉब लगा, मेरा ब्रदर लगा, अपने मेरे कम से कम 20 दोस्त लगे, कोई रुपया नहीं लगा, बिल्कुल मज़े ही मज़े। तो इस बार जैसे बीजेपी ने नारा लगाया है कि आपकी बार 75 पार, तो वो कर पाएगी? देखो 75 पार तो मुश्किल है, ये तो बात है, ये समीकरण बिगड़ते नहीं, बाकी इतना है भी सरकार बना लेगी। मतलब इससे ये सीधा होता है 75 अगर पार नहीं होगी, मतलब कोई सीटें कोई ना कोई और पार्टी मार जाएगी बाजी। हाँ बिल्कुल। दूसरी पार्टी लगती है आपको? देखो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग है सिस्टम, ऐसा नहीं होता भी मान लो यहाँ से है। अब कालका से मान लो किसको टिकट देती है कांग्रेस, अब चंद्रमोहन है, चंद्रमोहन का अपना होल्ड है, ठीक है जी, लतिका जी का अपना होल्ड है, ठीक है, कहीं शाहबाद से है, वहाँ पर एक पहले अनेलो में था रामकरण काला, ठीक है, उनका अपना होल्ड है, अगर उसको टिकट मिलती है तो जीत भी सकते, पिछले बार वो 536 वोटों से आ रहे थे जब इतनी बड़ी लहर थी। ये नहीं, अब इतना मैं मिला कर तो भी सरकार ना स्पष्ट बना जाएगी। हाँ जी कुछ सीटें जा सकती हैं। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ने जितने भी अपने देखे हैं कैंडिडेट वो सब सीनियर हैं, किसी भी नए बीजेपी के दावेदार को नहीं दी गई थी, आपका क्या विचार? देखो अब इसका क्या कहें, बाकी ऐसा है कुछ हो जाती है गलतियाँ, कई बार ऐसे है जिन्होंने बड़ी मेहनत की है कार्या करता है, बाकी उसकी उम्मीद थी टिकट मेरे को मिलेगी, पर बीजेपी ने ऐसा कर दिया जहाँ पे कई बार एक नया चेहरा ही दे दिया बिल्कुल ही, ठीक है, चलो नाम तो मैं नहीं लूँगा पर सब जानते हैं, जिसे ना थोड़ा सा रोष है जो कार्या करता है उनमें भी ये गलत किया। धर्म सिंह नाम है जी मेरा। इस बार पंचकूला में किसका जोर देखते कि भाजपा सरकार ने अच्छा काम किया था, पीछे कांग्रेस ने अच्छा किया? पहले तो जी अब तो काम तो वैसे तो यही मोदी ये ठीक कर रहा है, जैसे मोदी ठीक कर रहा है, और वो कांग्रेस ने तो पहले कहीं तो अच्छा कर दिया कहीं बुरा कर दिया, ऐसे ही मार खा गई कांग्रेस। पंचकुला में बात की जाए तो विकास क्या कुछ होगा? विकास तो जी बस ये उमर झूमर टांग रहे हैं ये उनमें स्कूलों में जी, और क्या क्या काम करा है विकास में, विकास तो कुछ नहीं हुआ। रोजगार की बात करें तो रोजगार मिल रहे हैं लोगों की? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं जी, नहीं मिल रहे हैं। तो आपके नज़रिए में क्या कुछ भाजपा सरकार को करना चाहिए? भाजपा सरकार को यही देखना चाहिए गरीब बंदे के लिए कुछ करना भी चाहिए थोड़ा बहुत, सो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। क्या कर सकते हैं फिर भी कुछ अगर संदेशा देना चाहिए? कर तो सकते हैं, करेंगे करेगी सरकार तो कर भी सकते हैं, इसके क्या बात है, गौर नहीं करती सरकार। आप क्या चाहते हैं सरकार से कि वो करे? जी हम तो जी ऐटो चलान वा रहे जी, हमसे तो बस लैसन मांगते हैं, जुर्माना डबल डबल टोक दिया, जो बैंड कर दिया, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है मतलब। हाँ जी बढ़िया रहा है, कम नहीं रहा है। रोजगार तो जैसे वो बोलते हैं भाई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अपने वादे करते हैं कि इतना वादा पूरा करते ही नहीं है। क्योंकि अगर बात करूँ तो रोजगार कितना मिला है लोगों को? हरियाणा का रोजगार यही कि मतलब 20% मिला होगा। इस बार दबाव ऐसा है कि भाजपा जो शहरों में कामयाब होएगी, देहात में भाजपा की परसेंटेज 40% है, 60% अदर देन है, इसलिए भाजपा को शहरी सीटा तो मिलेंगी, लेकिन भाजपा के अंदर जो 15 बंदे दूसरे दलों को टिकट दी गई है वो कभी कामयाब नहीं, क्यों, इनके पास 47 सीटा थी, उसके 43 सीटों पर इन्होंने बाहर से उनको टिकट दी है, इसलिए 43 सीटों पर
100% वो हारेगी। और जो 47 इसकी एज इट इज थी सिटिंग, तो वो सिर्फ शहर को छोड़ के शहर में डेवलपमेंट हुई, गांव में एज इट इज उसी तरह लोगों का बुरा हाल है। इसलिए गांव से वोट भाजपा को 40% 30% 70% में अदर देन है, तो भाजपा गांव से कामयाब नहीं होगी। अगर गांव की बात करें तो किन पार्टियों का जोर लग रहा है कि गांव में आ? गांव में ऐसा है कि कांग्रेस और इनेलो का ही मुकाबला होगा। ठीक है, जेजीपी अलग होने से इनेलो को लॉस होया है, लेकिन इनेलो के जो संस्थापक है ओम प्रकाश चौटाला, उसने पार्टी टिकट जो है न के बाहर के दलों से या किसी बड़े लीडर को टिकट नहीं दी। उसने गांव की वो सर्वे करके पंचायतों का डिसीजन लेके कैंडिडेट उतारे हैं, बिल्कुल न्यू कमर हैं वो। ये देखना छिपी हुई चीज़, आपको ये मालूम होगी कि इनेलो जो देहात की सीटों पर इनेलो ही टक्कर देगी भाजपा और कांग्रेस को। करण पाल जी, इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं। बिल्कुल जी। किस पार्टी का जो जोर है आपको लग रहा है सबसे ज़्यादा? मैं जगाधरी विधानसभा के अंतर्गत मेरा गांव पड़ता है, और वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का चौधरी कंवरपाल जी जो पहले स्पीकर विधानसभा के थे, उन्हीं का बहुत ज़्यादा जोर है। और उन्होंने काम भी पूरे जगाधरी में, पूरे जगाधरी हल्के के अंदर कोई गली कोई रोड कच्ची नहीं छोड़ी, हॉस्पिटल सरकारी कार्यालय और उन्होंने खिजराबाद गोलक ब्लॉक बना के बहुत बड़ा एक विकास पुरुष के रूप में जो है उन्हें देखा जा रहा है। और आने वाले जो इलेक्शन है 2019 का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भारी बहुमत से कंवरपाल जी जीत की ओर अग्रसर है। कुछ काम है छोटे मोटे, जैसे कुछ गांव है अभी भी गाढ़ क्षेत्र में कुछ गांव है जहां पर पुल पाल बन सकते हैं, अगर वो बन जाए कंवरपाल जी बन जाए तो वो पुल बनने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और यही है उन लायक तो रोज़गार हरियाणा सरकार ने जी योग्यता के आधार पर दे के लगभग जगाधरी विधानसभा के हर गाँव से अपनी योग्यता पर हर गाँव से एक ना एक लड़का जो है सरकार में कार्यरत हुआ है, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो जई हो चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती हो। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।